मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण 14 मई से शुरू होगा। इसके लिए सभी लोगों को जुटना होगा। उन्होंने कहा कि सभी झारखंड वासियों को निःशुल्क वैक्सीन दिलाना हमारी अगली प्राथमिकता है, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने सभी जिलों में एक एक कार्डियक एम्बुलेंस देने व ऑक्सीजन के लिए PSA लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सोमवार को संताल परगना और पलामू प्रमंडल के सांसदों विधायकों के साथ ऑनलाइन कोविड महामारी के हालात पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान सांसद विधायकों ने मुख्यमंत्री को कई सुझाव दिए। सांसद विधायकों का कहना था कि सरकार गांव पर विशेष ध्यान दे। गांव में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम से लेकर टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोविड जांच और कोरोना से रिकवरी लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण दर में कमी आई है। ICU ऑक्सीजन युक्त बेड, जनरल बेड की संख्या में भी पिछले एक माह में काफी बढ़ोतरी की गई है। आरंभ में जहां 250 ऑक्सीजन बेड थे, आज 10,000 बेड है। अमृत वाहिनी ऐप एवं अस्पताल सर्किट के कारण अब सभी तरह के बेड समय पर मिलने से सबको राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक लोगों को हुई किसी तरह की परेशानी के लिए वो क्षमा प्रार्थी है। आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि अपने सीमित संसाधनों से हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध अवश्य कराएंगे।